एग्स जो है इनको बॉइलिंग के लिए रख दिया है, और अब मैं ब्रेड जो है इसको बनाने जा रही हूँ। तो जी हमारे एग्स भी बॉईल हो गए हैं। आज जो है ना हमने थोड़े से हाफ़ बॉईल किए हैं एग्स, और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट है और ये हमारे ब्रेड्स हैं। मुझे जो है वो ये बेरीज वाली जो है ना जैम अच्छा लगता है, और जैन को जो है वो मैंगो वाला अच्छा लगता है, तो हम दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। सुबह सुबह शहली में हमारी शायद उठ जाती है, किसकी मानो है जी जी, सो जाओ, गुड नाइट। माशाल्लाह कितने फ्रेश हैं, राइट? ये देखें। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन विद फजर प्रेयर, और आज यहाँ पर इतनी सर्दी हो रही है, ब्लैंकेट लिया हुआ है और फिर भी सर्दी लग रही है। सो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज एट 7:30। मॉर्निंग, सो इट्स 7:26। मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा सा हुआ है, देखिए बाहर जो है वो इट्स विंडी। तो सबसे पहले आई डिसाइडेड टू चेंज माय आउटफिट, और आज हम ये वेयर कर रहे हैं जी। एओ बोलो, एओ गुड बॉय, आ जाओ कम हियर। ये वाली फूड जो है ना, ये देख लें आप, ये वाली मैं देती हूँ आर्टी को। मानो जो है वो इधर सोई हुई है। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय गर्ल, कम हियर। बस अब इसको प्यार कर दिया ना आर्टी साहब, वो जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो मैंने चेंज जो है वो कर लिया है, दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं पहले क्लास ले लूँ, और उसके बाद 12:15 पर, इस 9:40, तो 12:15 पर हमारी क्लास एंड होगी, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन विद माई क्लास, और अब हम लोगों ने ग्रॉसरी बाई करनी है। तो हम लोग ग्रॉसरी बाई करने बाहर तो नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिस्ट बनाने लगी हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, और उसके बाद मैं वो जैन को बताऊँगी, क्योंकि समटाइम्स ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ मंगा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑर्डर करते हैं। So that's the list of our today's grocery, fruits, vegetables and other stuff. Now it's time for Zuhr prayer. So Alhamdulillah, I am on juice 15 today. Subhanallazi. Alhamdulillah, I have done with juice 15. जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जूस क्या होता है, जूस होता है एक सिपारा,
मतलब एक पूरा सिपारा पढ़ लो तो उसको बोलते हैं एक जूस, वन जूस, जूस टू, टोटल हैं हमारे 30 जूस। तो मैं पढ़ चुकी हूँ 15 सिपारे, मतलब के 15 जूस, अल्हम्दुलिल्लाह। I have done with Namaz and Quran Pak, and now I am going to play for a little bit with my cats. Look at this beautiful girl, and look at my boy, Arti. Arti तो अपने आप को clean कर रहा है, और Lily तो ऐसे सोई पड़ी है जिस तरह बस. My baby, Arti. अब Arti को बस गोदी में बिठा लो. गोदी में आने Arti ने. गोदी में आने. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह. ये देखिए मौसम कैसे एकदम से चेंज हो रहा है. कभी ये सनी हो जाता है और कभी एकदम से क्लाउडी हो जाता है. और ये फिर हमारी मानो आ जाती है, मानो आ जाती है ना. फिर माई छोटू सा लायन, ये है मेरी प्रिंसेस और ये है मेरा लायन. सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक सहलब, और हम लोग सोच रहे हैं कि पोटेटोज के जो चिप्स है वो बनाते हैं, और सहलब बना के अभी रख देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए. टू टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, इसको आपने मिल्क के अंदर मिक्स करना है. तो ये 1 pinch जो है आपने इलायची पाउडर डाल देना है. ये उन लोगों के लिए जिनको इस रेसिपी का नहीं पता. अब ये सारे का सारा मैस जो Arti और Lily ने, ये देखिए इसको स्क्रैच करके किया है ना, इसको मैं साफ करती हूँ, क्लीन करती हूँ. मानो, Arti एंड ये मानो, ये हमारी प्रिंसेस है और वो हमारा किंग है, किंग Arti. अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है. अब असर की नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, और जो सहलब मैंने बनाया था उसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ जार्स में डालकर. तो मैंने आपको ये कहना था क्योंकि ईद आने में अभी 15 डेज़ हैं, आज 15th रोज़ा है यहाँ पर. तो इंशाल्लाह आई होप सो कि 30 पूरे रोज़े होंगे, और उसके बाद जो है ईद आ जाएगी. तो हम लोग क्या करते हैं कि जब लास्ट 2 to 3 डेज़ होते हैं ना, तो हम पूरे घर को क्लीन कर रहे होते हैं और बहुत थक जाते हैं. और उसके बाद इबादत की जो रात होती है 27, 29, तो हम उसमें सही तरह से इबादत भी नहीं कर पाते, राइट. तो हम लोगों ने क्या करना है, डेली कोई ना कोई एक चीज़ लेनी है और उसको अच्छे से डीप क्लीन करना है. उससे आप टायर्ड भी नहीं होंगे और आपका घर भी इवेंचुअली जो है वो क्लीन हो जाएगा. तो आज मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इस वाला जो टेबल है मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको क्लीन करती हूँ. और मैंने अपना स्टोव जो है वो एक वाली साइड क्लीन की थी और दूसरी नहीं की थी, तो उसके ऊपर जो है मैं उसको सोडा लगा कर रख देती हूँ, उसको भी क्लीन करती हूँ. देखें कितना मैसी है, जबकि वो वाला काफ़ी क्लीन है क्योंकि मैंने उस दिन क्लीन किया था. तो आज मैं इसको भी क्लीन करती हूँ,
और मैं आपको बताती हूँ इसको, ये जो ये ब्लैक ब्लैक है ये कैसे उतरता है। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा, और आपने इसके ऊपर बिल्कुल लाइट लाइट सा जो है वाटर स्प्रिंकल करना है, पानी लगाना है, और उसके बाद आपने ये सोडा इसके ऊपर जो है सारा साइडों पर लगा देना है। देखिए अभी इसको मैं 10 से 20 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ, उसके इतना मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और बाहर टेबल जो है इस पर भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ। तो टेबल को भी जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है, और कितना नीट लग रहा है ये वाला एरिया, माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन विद असर प्रेयर, और अब मैं क्या करने लगी हूँ, जो हमारा स्टोव है ना उसको मैं क्लीन कर, चले हैं पहले ख्वाहिती लेने चलते हैं। कौन सी ख्वाहिती, या फिर yes. मशीन से yes. हमारी कोई ख्वाही थी, हमारा कोई पार्सल आया तो वो पार्सल लेकर आते हैं, उसके बाद फिर जो है ना हनी पहले मैं स्टोव को क्लीन कर लूँ फिर ख्वाही थी लेकर आए, या पहले ख्वाही थी लेकर आए बाद में स्टोव को क्लीन करूँ? पहले ख्वाही थी ले आते हैं। चलें जी पहले हम ख्वाही थी लेकर आते हैं, पार्सल लेकर आते हैं अपना। हमने बेसन मंगाया था, अल्लाह करे हमारा बेसन आ गया हो, क्योंकि हमने कब से पकौड़े नहीं खाए हैं, और जहन का दिल कर रहा है कि वो आलू वाले पकौड़े खाएं, थोड़ा थोड़ा मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी खा लूँ। तो बस जी喂，你好。哎，我中午去你个家吃吃的。啊，好的好的，你在哪儿？现在你在哪儿？我在北门呢。好的，我来了，一分钟，我来了。嗯。好的，拜拜，再见。好的。ये देखें, ये यहाँ से हमारे जो है ना ये पार्सल आया है, ये हमारे बिल्कुल बिल्डिंग के सामने मशीन है, ठीक है, यहाँ से भी हमें पार्सल मिल जाता है। हनी हनी मिल जाता होता है, बताइए क्यों, वाई यहाँ से हमें पार्सल क्यों मिलते हैं, हम आज उधर क्यों नहीं गए? क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं इन लोगों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अच्छा, मतलब कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई किसी का उस घर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जो वहाँ पर उनकी शॉप है? नहीं, इस मशीन के साथ उन लोगों ने मतलब ये बाइंडिंग की हुई है अपनी। तो कुछ वो ख्वाहिती इधर रख जाते हैं। हाँ, तो अभी हमारी एक और ख्वाहिती है जो कि बाहर वाली मशीन में है, हम लोग उधर जा रहे हैं। हेलो, हम लोग जा रहे हैं और बाहर आकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए पीछे जो बिल्डिंग्स है ना, मुझे जब मैं स्टार्ट में हम इस कम्युनिटी में आए थे ना, मुझे लगता था ये कोई कैफ़े है और कोई कैफ़े होगा, लेकिन ये कैफ़े नहीं है। ये देखिए, ये जो है दूसरी मशीन है, यहाँ से जैन ने कोड स्कैन किया, ये QR कोड होता है यहाँ पर, और ये आ गई हमारी ख्वाहिती। और यहाँ पर रात को लोग जो है ना वो बैडमिंटन प्ले कर रहे थे, हमारी कम्युनिटी के बाहर वाला ही पार्ट है। तो हम लोग जाते हैं घर, हम लोग अपनी कम्युनिटी में भाग के जा रहे हैं। ये हस्बैंड ने जो इतनी ख्वाहिशें पकड़ लाए, मुझे पकड़ा दे। इट्स ओके। ओके, और ये मेरे आए हैं जी पजामास, और ये जैन का आया है जी हेयर ऑयल। आती बिफोर तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्लीन हो गया, अब कुकिंग करते हुए मजा आएगा। आज जैन बना रहे हैं पिज्जा, राइट हनी? यस, आज जैन बना रहे हैं पिज्जा। वैसे तो पिज्जे की जो डो है वो हमने रेडीमेड ली थी, बस जैन को टॉपिंग करके तो मैं क्या करने लगी हूँ अभी, सारे का सारा जो गार्बेज है इसको बाहर फेंकने जा रही हूँ। ये रहे जी मेरे हैंडसम से हस्बैंड पिज्जा बनाते हुए। आप लोग ये बताइएगा आज कौन कौन पिज्जा बना रहा है, आज कौन कौन पिज्जा बना रहा है, और आप लोगों में से किस किस को पिज्जा अच्छा लगता है। जैन को तो दिन में तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम आप पिज्जा दे दो बस, राइट? आई रियली रियली लव पिज्जा। आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है, अभी तक हमारी फ्रूट चाट नहीं बनी है, बताइए। तो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे फ्रूट्स और उसके अलावा वेजिटेबल्स थी तकरीबन 12:30 पर, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं आई है? वो हमें कॉल करता रहा, मुझे ये लगा है कि मैंने अपना फोन नंबर दिया था और जैन साहब ने मेरा फोन नंबर दिया हुआ था और मेरा सेल साइलेंट पर था, तो मैंने तो अपना सेल देखा ही नहीं है। वो बेचारा इतनी देर से कॉल कर करके वो चला गया, फिर अब जब मैंने देखा उसकी 7 मिस बेल्स आई है, मतलब कॉल्स आई हुई थी, तो मैंने उसे कॉल बैक किया और उसके बाद कहता है कि मैं तो यहाँ से चला गया हूँ, तुम लोगों ने तो मतलब आए नहीं हो, तुम लोगों में तुम्हारा वेट कर करके चला गया हूँ। फिर मैंने उसको बोला तो वो चाहिए मतलब सॉरी सॉरी, और अगर मतलब अगर तुम क्या तुम अब आ सकते हो, तो फिर कहता है कि भाई मतलब अभी तुम 10 मिनट्स वेट करो, ओके मैं आता हूँ 10 मिनट्स में।
तो फिर अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप सो कि हमारा जो है ना वो हो जाएगी, इंशाल्लाह फ्रूट चाट बन जाएगी, राइट? चले इतना फ्रूट्स आते हैं, इतना मैं बैठ के अपना थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग फ्रूट चाट बनाएंगे। फाइनली हमारे फ्रूट्स आ चुके हैं, फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा बहुत कम टाइम रहता है तो मैं फटाफट से जो है ना वो फ्रूट चाट बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तार बहुत अच्छी है, जिसमें जी हमारा पिज्ज़ा है और हमारा सहलब है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए अब आप लोग, कितना अच्छा हो गया ये, क्योंकि इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और मेरा अभी ऐसा ही है क्योंकि अभी मैंने इसको, इसके अंदर स्पून जो है इसमें अभी स्पून नहीं है। और ये हमारी है फ्रूट चाट और आज हमने ब्लू बेरीज भी इसमें ऐड की हैं, एंड देयर्स आवर डेट्स, इसको ऐसे रखना चाहिए, यस। और ये है जी केचप, इतना सब कुछ माशाल्लाह से बना लिया आज। अभी जो है वो 5 to 7 minutes रहते हैं इफ्तार में, तो बस हम लोग बैठते हैं यहाँ पर, दुआ करते हैं। आप सब लोगों के लिए भी दुआ करूंगी और इंडिया के लिए भी हमारी स्पेशल दुआएं आप लोगों के साथ हैं, जो भी मेरे इंडियन फॉलोवर्स हैं, जो भी इंडियन फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, सबके साथ हमारी दुआएं। आरती इधर बैठा हुआ है, अच्छा पर मानो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका मंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तर बिस्मिल्लाह। How's Sahlab? So yum. Right? No. Sahlab तो ऐसी चीज़ है कि मैं सबको कहूँगी आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको, आप इसके फैन आना होगे तो आप मुझे कहिएगा। और ये देखिए ज़ैन का पिज़्ज़ा, माशाल्लाह। एक पीस मेरा छोटू सा, तीन आपके, ओके? That was it. I hope कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने इफ्तार कर लिया और हम फटाफट से मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने कल के ब्लॉग में, कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जस्ट ब्लॉग देखते हैं। और या तो इट विल हेल्प मी और मुझे मोटिवेट भी करेगा अगर आप लोग लाइक भी करेंगे और इस व्लॉग को, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, बाय। ये किचकी मानो है, किचकी मानो, ये किचकी मानो है, किचकी मानो है, मेली मानो, अपनी बेल दिखाओ, बेल दिखाओ, किचकी मानो। Come here, come here, come here.